सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। काफ़ी लेट हो चुका है वैसे तो। कितना बज रहा होगा चाचा? 8 बज रहे होंगे, 9 बज रहे होंगे। 9 बज रहे हैं अभी इस टाइम पे। इधर देखो। हाय। वेट, अब बोलो। हाय। आज है हमारा तीसरा दिन गांव में और एक आधा दिन हमें और क्योंकि थोड़े दिन में हमें पूजा करनी है। ईष्ट देव हमारे यहाँ के हासलिंग देव, तो उसकी पूजा भी आपको दिखाएंगे। अच्छा वो देखो चाची अभी फ्रेश ये मिर्चियाँ तोड़ रही है अपने गार्डन से। चाचा जी ब्रश कर रहे हैं अभी। चाचा अभी हरी हरी पत्तियाँ लेके आए हैं अपने ये भेड़ के लिए। एक भेड़ भी है, देखिए यहाँ पे वो देखिए, दैट्स अ लैम्ब, दैट्स अ ब्यूटीफुल लैम्ब। रौनक का निमोलेटरी। निमोलेटरी। ये देखो फ्रेश यहाँ पे मिर्चियाँ तोड़ी जा रही है अभी। ये देखो है ना, हरी हरी मिर्च लगी। आप खाओगे चिली? ग्रीन चिली खाओगे आप? इसको फिर क्या अचार बनाओगे इसका, ऐसे रखोगे? सूखा मिर्ची। और वहाँ पर रौनक की मम्मी और रौनक की चाची ब्रेकफास्ट वगैरह तैयार कर रहे हैं। पता नहीं आज क्या बनाएंगे ये लोग। चलो रौनक आप बताओ क्या। अच्छा मिर्च निकालोगे? उसमें डालो। यस गुड। तोड़ दिया और तोड़ रहा है। डालो उसमें, इसमें डाल, डाल दो उसमें। यस मिसरे मिसरे अभी इधर आ रहे हैं। जा रहे हैं मिसरे मिसरे। हां ये पकड़ के, ये पकड़ वो देखो उधर जाओ। दादी बुला रही है ना उधर। और आज धूप की भी उतनी पावर दिखनी, मतलब पावरफुल धूप नहीं है आज। उधर मौसम भी खराब हो सकता है, क्या पता। अगर मौसम खराब हो गया तो यहाँ बर्फ गिर सकती है। चलो अब उसमें डाल दो, अब निकालो उसको। चलो अब चलते हैं, मम्मी भी आ गई आपकी। अब मिर्ची को ऐसे सुखाएंगे। हाँ इसको रहने दो ऐसे, अब ब्रेकफास्ट करेंगे ठीक है। इसको नीचे रख दो, यहाँ रख दो बेटा, इसको यहाँ रख दो, कीप इट हियर। नो खाना नहीं है इसको बेटा, इसको इधर दो, इधर दो, यहाँ रख दो बस। चलो आओ इधर आओ, कम क्या बनाया आज? हाँ? क्या बनाया? उल्लू। चलो रौनक बैठो इधर, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे हम लोग। आ जा। तो आज भी मिर्च की हरी चटनी है, छाछ है और रोटी है। ये हमारा पावरफुल नाश्ता। ये देखिए गर्मा गर्म नाश्ता लेके आया जा रहा है चाचा की। शुरुआत हां ये वाला था। ओ ठीक कर रहा हूं। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। ले ले मिनट आइए खड़ा। ये देखो रौनक हॉर्स। ये
तो काम करके आ चुके हैं हमारे खच्चर। हो गया आज का काम? हाँ। बहुत बढ़िया। तो देखो कितनी टफ लाइफ होती है पहाड़ों की, बहुत मेहनत करना पड़ता है भैया रोज कमाने के लिए। हो तो देखो कि इसके गले में कितना अच्छा बैल लगा हुआ। कितना अच्छा आवाज आ रहा है। वाह। और घर में पहनाने के लिए अलग है ना इनका? हाँ, घर में पहनने के लिए। वो छोटा वाला। तो अभी सारा सामान निकाला जाएगा अभी। बस गुरु का क्या नाम है घोड़े का? गुड्डू। और उसका? काली। काली। तो ये हमारा गुड्डू, वो है हमारी काली। देखो अभी पूरा खोला जाएगा अभी। तो बस अब घोड़ों को रेस्ट दिया जाएगा और इनको छोड़ दिया जाएगा यहाँ आसपास के जंगलों में घास चरने के लिए। और कभी कभी तो ये एक दो दिन के लिए घास चढ़ते रहते हैं। तो ये है हमारे पहाड़ों के जहाज और ट्रांसपोर्टेशन का जरिया, जैसे रेगिस्तान में ऊँट होते हैं उसी टाइप से सारा काम इनके थ्रू किया जाता है आजकल। पहले तो नहीं किया जाता था, अब रेता बजरी सीमेंट जितना भी होता है सब इसी में ढुलाया जाता है सब कुछ। और इवन जैसे पेड़ वगैरह काटते हैं जंगलों में तो इसी में आजकल लेके आते हैं। पहले तो आदमी और औरतें सब अपने पीठ में लाद के लेके आते थे सब, तो इनके लिए सारा काम आसान हो चुका है। बीच में होंगी काफी थक गए यार ये बहुत सीधे हैं तो मारते भी नहीं है। बैठू मैं लाल मैं बहल दी कहीं जाऊंगा नीचे तो बैठने के लिए कह रहा बैठ। तो चाचा इनको जंगल में छोड़ के आ रहे हैं। किस साइड जाओगे? इस साइड पे। अच्छा तो बस अभी यहाँ से जाएंगे। तो अभी जंगल जाएंगे और अपने आप चलते रहेंगे घास उस साइड पे। रौनक और सिया माल्टा इंजॉय करते हुए। ये पहाड़ी फ्रूट ऑरेंज का दूसरा रूप, बहुत टेस्टी होता है ये, खट्टा मीठा। अब देखिए ये घंटी के बारे में चाचा बताएंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंस है इस घंटी की और काफ़ी यूनिक घंटी है ये। घंटी है हाँ, जो ये है ये लाल पड़ी है ये सब हमने हाथ से बनाए। अच्छा। और ये भी ये गले में लगाने वाली ये भी अलग हाथ से बनाए। और ये भी ये दोनों घंटी का मतलब ये दोनों हाथ से बनाए वगैरह। और जो ये है ये घंटी ठहरा ये घंटी मतलब 3,000 का घंटी है, 6,000 की घंटी है। हाँ बहुत महंगा है ये। 100 रुपया ये इसका मिलता है, ये गफर का मिलता है। अच्छा। और ये भैया दुआल भैया दुआल बोलते हैं इसको। हाँ गले में लटकाने के लिए। हाँ गले में लटकाने के लिए दुआल हो गए ये। बढ़िया। 200 का ये दुआल मिलते हैं। और घंटी भी ये छाट के लाया है।
हाँ ये नेपाल यहाँ नहीं मिलता। हाँ ये घंटी यहाँ नहीं मिलता, ये नेपाल में मिलता है। अच्छा, चाइना का घंटी हुआ है। अच्छा, नेपाल से मंगाया है। नेपाल से मंगाया, तब नजदीक कम सुनता है, घंटे तार जाते सुनते हैं, जैसे हम ऐसे घंटे बजा रहे हैं, ये पूरी जिम्मी वाले ट्रक। अच्छा, मतलब पार गांव वाले इसको अच्छे से सुनेंगे अब। अच्छा, ये खासियत है इस घंटे की। बाय बाय, थैंक यू फॉर शेयरिंग। तो देखा आपने इस छोटी सी घंटी की कितनी खासियत है, और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे मैं भी ऐसी घंटी यूज़ कर रखी थी। आपने देखा होगा मूवी, अगर शाहरुख खान की मूवी है, और काफ़ी महंगे हैं, और पूरे गांव में जैसे भाई ने बताया सिर्फ इन्हीं के खचरों के पास ये घंटियां हैं, बाकी एक खचर और है जिसके पास ऐसी घंटी है, और टाइम बाय टाइम इसकी आवाज़ चेंज होती रहती है, और मतलब जब नया रहता तो काफ़ी अच्छी आवाज़ आती है इसकी, जैसे इस टाइम पर काफ़ी अच्छी आवाज़ आ रही है इसकी, और धीरे 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 ये आवाज़ इसकी ख़राब होती रहेगी, मतलब उतनी अच्छी आवाज़ नहीं आएगी। तो बस इसी चीज़ के पैसे हैं इसके, और काफ़ी महंगे ये घंटियाँ आती हैं, और काफ़ी अच्छी है ये। तो कैसा लगा आपको ये इन्फॉर्मेशन? आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। तो कीप वॉचिंग फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अवर पहाड़ और पहाड़ी कल्चर। तो ये भी कल्चर का पार्ट है हमारे। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ आवर विलेज, देखो इस टाइम पे ऑरेंजेस, वो देखो रहा हूँ, ऑरेंजेस है, पम्पकिन्स है, कद्दू, और बहुत ही हरा भरा गांव लग रहा है इस टाइम पे। और यही टाइम होता है जब आपको हर चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी, फल फ्रूट्स फ्लावर्स सब कुछ है ना रौनक। अभी हम लोग जा रहे हैं छोटे मामू के यहाँ पे। ओके, वो देखो हिमालय का कितना बढ़िया व्यू आ रहा है ना। चलो जहाँ देखो वहाँ हिमालय के पहाड़। नमस्ते, प्रणाम करो। चल ठीक है, नमस्ते ठीक है, और ठीक है राय। तो ये है बुआ लोगों का घर। इंग्लिश में बोलो यार, इंग्लिश में बोलती है मौसी। ओए आजा रौनक, मैंने बोला था इंग्लिश में, क्या बोला था इन मौसी? इंग्लिश में क्या बोला? ये देखो कुत्ता सो रहा है अभी, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है कुत्ता। डॉगी डॉगी, ऐसे क्यूट डॉग यार, आजा काओ काओ, इधर आओ काओ को तो पास से देखोगे। जर्सी को रहे हो, कुदा लाया है यो। हाँ तो देखो अब जर्सी गाय भी पहुँचने लगी पहाड़ों में, पहले यहाँ देसी गाय हुआ करती थी सबके पास, और अभी भी ज़्यादातर देसी गाय होंगी। देखो कितना प्यारा डॉग है, देखो देखो ये प्योर भोटिया डॉग, वाइट कलर में है ये, और बेसिकली आपको ब्लैक कलर में ज़्यादा दिखेंगे, वाइट कलर में बहुत रेयर रहते हैं। क्यों रौनक, इट्स ए नाइस क्यूट डॉग ना, क्यूट डॉग, डॉगी की क्यूटनेस के लिए तो एक लाइक बनता है, और रौनक की क्यूटनेस के लिए भी। हाँ रौनक, तो बुखारे भी दोबारा बता पाजो दिन में तो बड़ा सुई नहीं ना ले की बे, कोरोना सुई लगा बेर जोरे ही के रथे। यो तो ही मेड़ पलानो मौसी कह रही है कि कोरोना का इंजेक्शन लगा दे, बुखार आया, बुखार तो आ ही रहा सबको वैसे। कुछ ही बुखार है, घुटा पैताल सड़की, हाथ फुट सड़की,
कोई कोई कहीं बीमारी हमारी ठीक बे कोई खून चरकन बुखार में है पिटो बुखार है हां ज्यादा है बुखार पर ये मार हुई ना यूं भाई यहां पे डर बाजी हुए मेरे मैं को हां को तो देखिए ये भेड़ का मीट सुखा रखा है बुआ ने और यही बाद में सूखा बनेगा और इसका टेस्ट काफ़ी बढ़िया रहता है। सर्दियों में खाया जाता है इसको जब बर्फ़ वगैरह पड़ती है तो इसके साथ एक करेला होता है हमारा करेले को मिक्स करके तब बनता है बढ़िया इसका फिर चावल के साथ या रोटी के साथ जैसे मर्जी खाइए आप। चलो चलो याद तो है चलो। ये तो थी हमारे कल्चर की छोटी सी एक झलक। अभी तो बहुत कुछ आपको बताना है और टाइम मिलेगा तो काफ़ी लोगों से हम बात करेंगे जो यहाँ पुराने लोग हैं और आपको रूबरू करवाएंगे यहाँ के हमारे कल्चर से और काफ़ी कुछ आपको पता लग गया होगा। तो अभी तो हम बुआ लोगों के पास जा रहे हैं खाने के लिए और फिर आपको मिलेगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए ठीक है फिर ओके बाय बाय।